आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनुमम। बच्चों आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? वाच्य। वाच्य की क्या परिभाषा होती है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया कर्ता कर्म या भाव के अनुसार है, यानी क्रिया किसके अनुसार है यह पता चलता है तो उसे क्या कहते हैं? वाच्य। वाच्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉइस। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसको यदि आप इंग्लिश से रिलेट कर लेंगे तो आपके लिए वाच्य याद करना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल। अब हम एक एक वाच्य को लेते हैं, जैसे कृतवाच्य। अब कृतवाच्य की क्या परिभाषा होती है? वाक्य में कर्ता के अनुसार जब क्रिया होती है उसे कहते हैं कृतवाच्य। जैसे अलका केक काट रही है, बच्चे होटल जा रहे हैं, माँ तैयार हो रही है, तो इस प्रकार से ये क्या है? कर्ता के अनुसार क्रिया हो रही है, यानी क्रिया स्त्रीलिंग पुल्लिंग कर्ता के हिसाब से होगी। यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्या होगा? क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, और यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। अगला लेते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या है? जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है उसे क्या कहते हैं? कर्मवाच्य। उसमें से और द्वारा की विभक्ति लगाई जाती है और जा प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे अध्यापिका के द्वारा पढ़ाया जाता है, तो इस प्रकार से ये हो गया कर्मवाच्य। अब अगला लेते हैं भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया न तो कर्म के हिसाब से होती न कर्ता के हिसाब से होती, भाव के अनुसार होती है, उसे कहते हैं भाववाच्य। जैसे बूढ़े से चला जाता है, मरीज से सोया नहीं जाता, अलका से इंतजार नहीं होता, मुझसे भागा नहीं जाता, तो ये सब हो गई भाववाच्य। यदि आपको वाच्य डिटेल में समझने हैं तो मैंने प्रत्येक वाच्य पर अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं, आप उन्हें ध्यान पूर्वक देखिए, और मैंने बहुत सारे उसमें एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। यदि आप उनके लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए वाच्य याद करना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल, और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल और सहज बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट कम हुआ है वो बढ़े, और ग्रामर में आपको किन किन टॉपिक पे दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो लाइक मत कीजिए, आप इन पे कमेंट मत कीजिए, लेकिन शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हिंदी भाषा को प्रथम स्थान पे लाना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। हिंदी अपनाइए मत शर्माइए। धन्यवाद।